मुझे कंट्रोवर्सीज नहीं पसंद, मुझे लड़ाई झगड़े नहीं पसंद। मेरी पहले भी बहुत सारे लोगों ने मुझे कंट्रोवर्सीज में डालने की वो करी, ठीक है। स्टॉप गिविंग एक्सप्लेनेशन टू पीपल, बाबा कोई नहीं समझेगा, इग्नोरिंग हो, सबको मसाला चाहिए। हाँ, सबको मसाला चाहिए। एंड लाली, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग माय पॉइंट कि जहाँ मुझे डाला गया कि हफ्सा शाहफ्सा ने बुरा किया हमारे साथ। हमने किसी के साथ कोई बुरा नहीं करा और ना ही कर सकते, क्योंकि यू गाइज वर आवर फ्रेंड। हमने आपको दिल से दोस्त माना था। मैंने हमेशा हर किसी को दिल से दोस्त मानती हूँ। मैं कभी किसी की, ये मेरे सारे जो है दोस्त जो है ना, सारे लारे आमना जितने मेरे दोस्त हैं, मैं कभी किसी के बारे में कुछ नहीं बोलती। मैं नहीं बोलती, मेरी दुआ से जो भी लड़ाई हुई, जो मैंने उसके बारे में भी कभी कुछ नहीं बोला, बल्कि मेरे फैन पेजेस ने भी नहीं बोला। लेकिन आपके फैन पेजेस मुझे आके बोल रहे हैं 19 साल की चूची और जाहिल सब चीज़ें, ठीक है। उसमें मेरी एक फ़ैन पेज है मानिया, उसने रात में पूरे दिन की सारी हरकतें आपके फ़ैन पेजेस के बाद, रात में मेरी फ़ैन पेज ने आपको जब जाहिल बोला तो आपके फ़ैन पेजेस ने वो स्क्रीनशॉट हर जगह फैला दिया, सही है, हर जगह। आई एम क्लियरिंग माय फ़ैन पेजेस कि मेरे फ़ैन पेजेस तब तक चुप थे जब तक उनकी आइडल को जाहिल नहीं बोला गया। और उसके बाद बोला जाता है रवि का फ़ैन तो चुप है। कहाँ चुप है भाई? We were not putting hate to anyone, anyone. सही है? हाँ लाली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हम लोग दोस्त हैं, ठीक है। In the end we all are friends, सब दोस्त हैं, किसी की कोई लड़ाई नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ अपना पॉइंट क्लियर करूँगी कि जहाँ बोला गया कि हम लोग बुरे हैं, तो आई एम रियली सॉरी अगर हमने आपके साथ कोई बुरा किया है। रियली सॉरी, मैं लाइव आके सॉरी बोल रही हूँ, ठीक है। आई एम रियली सॉरी अगर हमने आपके साथ बुरा किया, आपका दिल दुखा, ठीक है, अगर किया, सही है, दिल दुखा आपका, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, ठीक है। आई एम जस्ट क्लियरिंग माई फैन पेजेस फ्रॉम दिस साइड। अब मेरे फैन पेजेस में से कोई भी किसी को कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। और रही बात मेरे फसादन होने की, रही बात रबीका के फसादन होने की, रही बात दोस्तियाँ तोड़वाने की, भाई कभी भी कोई किसी की दोस्ती नहीं तोड़वा सकता। आप लोग बस अपनी माइंड से ना ये सब चीज़ें निकाल दें, किसी को भी हेट देना छोड़ दें। पहली बात तो ये, रवि का झूठी है, किसी को हेट मत दो, सही है। आप जैसे हुसैन ने बोला अपनी लाइफ में कि हम लोगों को अगर कोई सड़क पे चलता हुआ कोई एक इंसान गाली दे दे तो हम लोगों से वो बर्दाश्त नहीं होता। सोचो आप लोग इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके हम लोगों को बोल रहे हो, तो हम लोगों से कैसे बर्दाश्त होगा, चाहे वो मैं हूँ, रबी का है, माज है, हुसैन है, शहीद है, कोई भी है, ठीक है भाई। तो मैं अपने फ़ैन पेजेस को सिर्फ इतना बोलूँगी, मेरे फ़ैन पेजेस किसी को कोई हेट ना दें, या फ़ैन पेजेस छोड़ो, मेरे जो फैंस हैं वो अगर मुझे सच्चे दिल से मेरे फैंस हैं ना, तो प्लीज़ रबीका को कुछ बोलना, हुसैन को कुछ बोलना, मास को कुछ बोलना और शहीद को कुछ बोलना बंद करें, ठीक है, सही है। कोई भी लड़की आके किसी की दोस्तियां नहीं तोड़वा सकती, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर हमारी दोस्तियां हैं पर्सनली, ठीक है, तो हम अब जैसे सपोज मेरी रबीका की पर्सनली दोस्ती है, मैं उसको कॉल कर रही हूँ, तो मैं लाइव आके कॉल थोड़ी करूँगी कि यार हेलो, हाँ रबीका, मैं लाइव पे तुम्हें कॉल कर रही हूँ ताकि लोग देखें कि मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ। दिस इज द सेम पॉइंट। अगर हम लोग हुसैन की बर्थडे में नहीं थे तो वो कुछ और रीजंस हैं, सही है, वो कुछ और रीजंस हैं, लेकिन हम लोग हुसैन के साथ थे। शहीद ने हुसैन को कॉल पे विश करा, शहीद बोल चुके, हुसैन ने भी ये बात क्लियर आउट की, हुसैन ने भी शहीद को बर्थडे पे विश करा किया, आई एम सॉरी किया, ठीक है। तो वो पब्लिकली आके या कॉल करते हुए अपनी स्टोरियां नहीं बनाएंगे कि यार सबको पता तो चले एटलीस्ट हमने कॉल की है, ठीक है। ना शहीद की कोई गलती, ना मासी की गलती, ना हुसैन की, ना रबीका की, ना मेरी, किसी की गलती नहीं है। अगर किसी का दिल दुखा है मेरी साइड से, ठीक है, जैसा बोला गया कि शाह अफसा ने दिल दुखाए हैं, तो अगर मेरी साइड से किसी का दिल दुखा गया तो उसके लिए आई एम सॉरी, ठीक है। और मैं इसके अलावा, सॉरी बहुत बड़ा वर्ड है जिसका मतलब है माफ़ी, तो मैं यही बोल सकती हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोल सकती। अगर आप लोगों का दिल दुखा है,
सही है, हमारी वजह से, मेरी और शहीद की वजह से, दोनों की साइड से आई एम सॉरी। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, सफर पर जो भी हुआ वो हम चारों के बीच में है, इट्स आवर प्राइवेट लाइफ, ठीक है, नो नीड टू मेक इट पब्लिक, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग वर मेंट टू बी क्लियर्ड, नॉट टू बी पब्लिक, तीसरा पॉइंट, ठीक है। और दूसरी बात, जो आपकी दोस्ती है किसी से भी आप रखो, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसकी किससे दोस्ती है, किसकी किससे दोस्ती नहीं है। अगर बात रही रबीका और तस्मीत की दोस्ती की, एग्जैक्टली सेम आमना और तस्मीत की भी दोस्ती है ना। आमना इज वन ऑफ माई जेन्युइन फ्रेंड एंड वन ऑफ माई रियल फ्रेंड एंड वन ऑफ द फ्रेंड जो मेरे दिल से बहुत करीब है, शी इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, लेकिन वो तस्मीत की भी दोस्त है। इट्स नन ऑफ माई बिजनेस मेरे दोस्त अगर किसी और से दोस्ती करते हैं। लेकिन हाँ, शहीर को इस चीज़ पे प्रॉब्लम थी, उसने ब्लॉक करा उनका अकाउंट, उनकी मर्जी, वो जिसको भी ब्लॉक करे, सिंपल, ठीक है। उनको नहीं अच्छी लगी ये चीज़, उनको नहीं अच्छा लगा, और वो भी तब जब मिसअंडरस्टैंडिंग थी तब ये सब चीज़ें हुई। तो दिमाग में इंसान के 10,000 ख्यालात आते हैं। यू गाइज हैव पर्सनल लाइफ टू। अगर हमारे घरों में लड़ाई हो जाती है तो दैट डजंट मीन हम लोग अलग अलग रहना शुरू हो जाए। हमारी फैमिली में भी लड़ाई होती है, बहुत सारे लोगों के घरों में लड़ाई होती है, दैट डजंट मीन अकेले अकेले रहना, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है। और हमारी जो बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग है वो जल्दी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। नो नीड टू पुट ब्लेम एंड अदर थिंग्स ऑन ईच अदर, सही है। अब मैं अपने फैन पेजेस को देखूँ किसी को हेट देते हुए, सिंपल। और मेरे फैन पेजेस की रही बात, मेरी जो फैन पेज है मानिया, उसकी तरफ से आई एम सॉरी टू रबीका, ठीक है। लेकिन आप भी अपने फैन पेजेस को समझाएं कि अगर वो मुझे आके जाहिल, चूची सब चीज़ें बोलेंगे तो मेरे फैन पेजेस को भी बर्दाश्त नहीं है यार। हम लोग काफ़ी टाइम से चुप थे मेरे फैन पेजेस, मैंने उनको बोला हुआ था कि नो नीड टू डू दैट, सही है। मैंने अपने फैन पेजेस को कभी भी नहीं बोला कि गो जाओ, भड़क जाओ। लेकिन जब मानी सर से ऊपर चला गया, जब आपके फैन पेजेस ने लिमिट्स क्रॉस कर दी, देन मैंने बोला कि यार क्यों मेरे फैन पेजेस को गालियाँ पड़े, जब वो लोग, उनकी कोई गलती नहीं, उनका कोई बीच नहीं, मेरा कोई बीच नहीं, मैंने किसी को ब्लॉक नहीं करा, मेरी किसी से लड़ाई नहीं, मैंने किसी के बारे में बुरा नहीं बोला, मैंने नहीं कहा कुछ, तो फिर मुझे क्यों, सही है। तो नो हेट टूवर्ड्स हुसैन, नो हेट टूवर्ड्स रबीका, नो हेट टूवर्ड्स एनी वन, ठीक है। ये किस्सा यहीं ख़त्म करें, बहुत हो गया, बहुत टॉक्सिसिटी हो गई, ठीक है। हमारी पर्सनल लाइफ इन सब चीज़ों से बहुत डिस्टर्ब हो रही हैं, और सही बात है, इन सब चीज़ों से बहुत डिप्रेशन होता है। एक हेट कमेंट भी आप लोगों का, एक हेट कमेंट भी बहुत मुश्किलात पैदा करता है इन्फ्लुएंसर्स पे, यू गाइज डोंट नो, चाहे वो किसी के भी फैन पेज हो।